दोस्तों, पहली बार मैं अपने चैनल पर एक 3D वर्ल्ड डिजाइन लेके आया हूँ, जहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि वो डिजाइन को किस तरह से बनाया जाता है, यानी कि बेस किस तरह से लगाया जाता है, उसका टॉप कोट कौन सा होना चाहिए, बेस कोट कौन सा होना चाहिए, टैपिंग किस तरह से किया जाता है, या फिर स्प्रे कैन से दीवार पर किस तरह से स्प्रे होता है, ये सब आज मैं आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें सबसे पहले वॉल को अच्छे से सैंडिंग करना होता है। सैंडिंग करने के लिए मैं यहाँ पर ड्राई वॉल सैंडर मशीन का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो सैंड पेपर आता है ना, वो हाथ की मदद से अच्छे से सैंडिंग कर सकते हो। उसके बाद पुट्टी की टचिंग कर लेनी है और उसे सूखने देना है। सूखने के बाद भी उसे सैंडिंग कर लेना है। अब हमारी बारी है कि इसके ऊपर बेस कोट लगाना है। बेस कोट के लिए मैं यहाँ पर ब्लैक मैट कलर यूज़ कर रहा हूँ, वाटर बेस कलर यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले इसे हम मिक्स करेंगे। ब्लैक मैट कलर कुछ तरह से गाढ़ा आता है, तो उसके हिसाब से आपको पानी डालना होता है। आप 1 लीटर के अंदर तकरीबन 800 ml तक पानी डाल के उसे अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पर आपको मिक्स करने का तरीका दिखा दिया है। अब हम इसे हमारी जो वॉल है ना उसके ऊपर लगाएंगे। सबसे पहले हम बॉर्डर के लिए ब्रश और रोलर का यूज़ करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, हमारी वॉल सूख के रेडी हो चुकी है। ये हम एप्लीकेशन रोलर यूज़ करें ताकि उसके ऊपर जो हल्की दानी वगैरह है ना वो भी ना आए। तो इस तरह से डिप करना है और फिर हमें अप्लाई करना है। मैंने आपको बताया वैसे, सबसे पहले तो हमें ब्रश की मदद से जो एजेस है ना उसे कर लेना है, क्योंकि पहले दीवार है ना वो की है। आप ऊपर देख सकते हो, वहाँ पर मास्किंग भी अच्छे से किया है। और कुछ इस तरह से अच्छे से ब्रश की मदद से एक पूरा लाइन खींच लेना है और फिर ब्रश यूज़ करना स्टार्ट करना है। अब दोस्तों, हमने यहाँ पर ब्रश की मदद से जो पट्टा है वो तो लगा लिया है। अब हमारी बारी है कि रोलर की मदद से डायरेक्ट अप्लाई करना है। तो हमने डिप कैसे करना है वो तो दिखा दिया है। बस इस तरह से अब देखो, जहाँ तक हमने ब्रश की मदद से पट्टा लगाया ना, वहाँ पर रोलर अच्छे से घुमा लेना है और ज़्यादा खींचना नहीं है। कलर जितना चढ़े उतना चढ़ाना है और जो रोलर के स्ट्रोक्स है ना वो सब हटा देना है। तो उसके लिए इस तरह से पहले खड़ा और फिर इस तरह से टेढ़ा हमें अच्छे से घुमा देना है। तो इसी तरह से अब हम हमारी पूरी वॉल पर अच्छे से आपको करके दिखाते हैं फटाफट। दोस्तों, जैसे ही हमारा फर्स्ट कोट सूख जाए ना, उसके बाद हमें इसे 2 या 2.5 घंटे अच्छे से सूखने देना है और फिर सेकंड कोट करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से इस तरह से फर्स्ट कोट लगा लिया है। अब देखो कुछ इस तरह से दिखता है। अब इसके ऊपर हम सेकंड कोट लगाना स्टार्ट करेंगे, वही हमारा ब्लैक कलर का, क्योंकि प्रॉपर बेस होगा तभी हमारा अच्छे से काम करेगा। क्योंकि डिजाइन के स्टार्टिंग में दिखा ना, उसके पीछे ब्लैक कलर दिख रहा है, तो वो इसी के कारण दिखेगा। यहाँ पर हमने हमारा सेकंड कोट भी अच्छे से कर लिया, इसे भी हमें 2-3 घंटे सूखने देना है। जैसे ही सूख जाए कुछ इस तरह से लगेगा। इसके ऊपर अब हमारी बारी है मास्किंग करने की। मास्किंग करने के लिए यहाँ पर जो नॉर्मल हमारी मास्किंग कैप है, एब्रो टेप आती है ना, वो यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर 1 इंच की मैं मास्किंग कैप यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ। तो इसकी डिजाइन बनाने के लिए फर्स्ट हम लेफ्ट वाले कोने से नीचे की तरफ जो राइट वाला कोना है ना, वहाँ तक अच्छे से मास्किंग को एक पट्टा खींच लेंगे और फिर उसी के डायरेक्शन में जो हमारे पास एक कुट्टी ब्लेड है ना, उसका गैप रखते हुए सभी मास्किंग ना उसे हम कवर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, क्योंकि डिजाइन के बीच में सेम डिस्टेंस रहना चाहिए ना, थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। उसके लिए मैंने आपको बताया वैसे पुट्टी ब्लेड का भी सहारा ले सकते हो। तो चलो अब हम फटाफट ये पूरी मास्किंग ना उसे भी कवर कर लेते हैं। देखो दोस्तों, ये तो कर लिया। फिर टेढ़ा लगाने के लिए हमने जो पहले लगाया था ना, उसके कोने ही एक दूसरे के साथ मैच करने। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, ये कोना, एक और कोना मैं आपको करके दिखाता हूँ। ऊपर से नीचे की तरफ जो आता है ना, वही कोना में मैच करना है और कुछ इस तरह से पूरे डिजाइन को कंप्लीट करना है। तो ये हमारी डिजाइन बन के रेडी हो चुकी है, यानी कि मास्किंग कम्प्लीट हो चुका है। अब इसके ऊपर हमारा टॉप कोट लगाना है। ये डिजाइन आप पहले देख लो, कुछ इस तरह से आनी चाहिए आपके पूरे वॉल पर। टॉप कोट के लिए मैं यहाँ पर रॉयल का कलर यूज़ करूँगा। कौन सा करूँगा, तो यहाँ पर आप देखो रॉयल है ये वाला कलर। और इसका आप कोड चाहो तो मैं आपको नीचे जो शो हो रहा है ना वहाँ पर दिखा दूँगा, या फिर आप अपने हिसाब से कोई भी कलर आपको पसंद है वो ले सकते हो। रॉयल के अंदर जब बेस कोट मतलब टॉप कोट लगाए ना, तो उसके अंदर 200 से 250 ml पानी ऐड करना, ज़्यादा मत करना। और फिर उसे
सेम जैसे हमने बेस कोट लगाया था ना, यानी कि पहले ब्रश की मदद से एजेस काटे थे और फिर रोलर की मदद से किया था, वही करना है। तो पहले कुछ हिसाब से ब्रश से जितने भी एजेस है ना वो अच्छे से बना लेने, फिर रोलर का यूज़ करना है। तो चलो पहले एजेस बना लेते हैं। अब हमने यहाँ पर एजेस बना लिए, अब बारी हमारा जो रोलर है ना उसे यूज़ करने का। तो उसे भी अच्छे से डिप करना है और जैसे हमने बेस में किया था यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ अच्छे से ग्रीन कलर को फैला देना है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, ज़्यादा प्रेशर दोगे तो जो पीछे टैप है ना उसके अंदर भी कलर चला जाएगा, तो फिर आपको वो टचिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हल्के हाथों से करो, ज़्यादा कलर पतला भी मत करना, पतला करोगे तो भी वो दिक्कत होगी, कलर अंदर चला जाएगा टैप के अंदर। तो इस तरह से देखो कलर आपको दिख रहा होगा नीचे ड्रिप हो रहा है, तो वो टेंशन मत लो, उसके ऊपर आप हल्के हाथों से काम करते रहो। अब मैं आपको फटाफट पूरी जगह पर पहला कोट लगा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा पहला कोट हो चुका है, इसे हमें 3 से 4 घंटे अच्छे से सूखने देना है और उसके बाद आगे का हमारा जो सेकंड कोट है ना वो लगाना स्टार्ट करना है। सेकंड कोट को भी हमें वही तरीका यूज़ करके अच्छे से पूरी वॉल पर कंप्लीट कर देना है। यहाँ पर देखो मैं ब्रश का यूज़ कर रहा था पर वो मुझे फिनिशिंग नहीं अच्छी मिली, तो रोलर का ही यूज़ करो और रोलर हमेशा एप्लीकेशन रोलर यूज़ करो ताकि उसकी जो स्मूथनेस और फिनिशिंग है ना वो काफ़ी अच्छी बनी रहे। और हाँ दोस्तों आप इसमें एक और नोट कर रहे हो कि मैंने पहला है ना ऊपर से नीचे की तरफ किया था, तो दूसरा कोट आजू बाजू करा हूँ, मतलब लेफ्ट से राइट या फिर राइट से लेफ्ट कराओ, तो इस तरह से हमारा अच्छे से फिनिशिंग हो जाएगी पूरी वॉल पर। अब गीला कलर है तभी हमें इसके ऊपर से टैप निकालना है, तो चलो मैं आपको टैप किस तरह से निकालना है वो भी दिखा दूँ। आराम से जो भी हमने टैप किया था ना उसके कोने मैंने थोड़े थोड़े बाहर रखे थे तो हम निकाल सके उसके कारण, तो इसी तरह से हमें पूरी जगह से टैप निकाल लेनी है। तो चलो फटाफट वो भी कर लेते हैं। और दोस्तों आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और आप हमसे काम करवाना चाहते हैं तो हम अहमदाबाद सिटी में अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, तो यहाँ पर हमें कांटेक्ट वगैरह कर सकते हो। कांटेक्ट करने के लिए डिस्प्ले पर हमारा नंबर शो हो रहा था, वहाँ पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हो और कोई भी कंसल्टेंसी या फिर कुछ पूछना चाहते हो तो वो भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बस 99 रुपये करके आप हमें कॉल वगैरह से अच्छे से डिटेल कर सकते हो। दोस्तों ये हमने टैप निकाल दी, उसके बाद टचिंग भी कर लिया क्योंकि जहाँ पर था ना वो निकल चुका था थोड़ा बहुत ब्लैक, तो वहाँ पर टचिंग कर लिया। उसके बाद हम स्प्रे कैन लाया है वाइट वाला और एक छेद बनाया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ना बोर्ड के ऊपर एक छेद बनाया और उसके अंदर से स्प्रे करें। स्प्रे को हमें 1 या 1.5 फीट दूर रख के स्प्रे करना है, तो अच्छे से इस तरह से राउंड बनेगा और ये राउंड बनाते हुए हमें पूरे वॉल पर जहाँ पर भी क्रॉस बन रहा है ना वहाँ पर इसे करना है, तो ये डिजाइन अलग से उभर के आएगी हमें दिखेगी। कैसे करना है तो आप वो वीडियो में देख ही रहे हो कुछ इस तरह से। और हाँ दोस्तों थोड़ा याद रखना, थोड़ा सा दूर रखना क्योंकि जब तक स्प्रे का कलर सूखता नहीं ना तब तक ओवरलैप करोगे ना आप तो वो बिगाड़ सकते हैं डिजाइन की, हमारे जो व्हाइट सर्कल पड़ रहे हैं ना उसे, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। आपको लगे कि आधा सर्कल हुआ तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि एक बार पूरी वॉल पर लगा लो ना फिर सेकंड कोट जब हम लगाए तो टचिंग कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करना है। तो चलो फटाफट पूरी वॉल पर ये डिजाइन कर लेते हैं। लास्ट में एक बार मैं आपको ऊपर कोने में फिर से दिखा दूं, जहाँ पर कोना आ रहा है तो वहाँ पर आप अपना जो बॉर्डर है उसे कुछ हिस्सा से कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देखो ये किया। उसके बाद हल्का पेपर हमें फोल्ड करके कुछ हिस्सा से स्प्रे करना है ना, कुछ हिस्सा से कम्प्लीटली हमारा डिजाइन बनेगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और ये डिजाइन करते हुए मैं आपको कैसा लग रहा हूँ वो भी बता सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि कोई मिस्टेक कर सकूँ तो आप हमें सजेशन कर दो तो वो भी हम कम्प्लीट कर लेंगे। देखो यहाँ पर सेकंड टाइम हम जहाँ पर भी हमारा सर्कल अच्छे से नहीं बनाया ना वो चेक कर रहे हैं और उसे भी स्प्रे की मदद से दोबारा कर रहे हैं, तो ये करने के बाद हमारा ये फाइनल डिजाइन बन के रेडी हो जाएगा। तो डिजाइन कैसा लग रहा है वो मैं आपको लास्ट में पूरी दीवार पर दिखा रहा हूँ, वैसे आपको यहाँ से ही आइडिया लग चुका होगा कि दीवार किस तरह से लग रही होगी। ये डिजाइन आपको बनवानी है
तो मैंने फिर से एक बार बता, डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे रहा हूँ, वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं अहमदाबाद सिटी में अपनी सवारी प्रोवाइड करवाता हूँ। तो लास्ट में मैं आपको पूरा डिजाइन दिखाता हूँ, उस हिसाब से हमारी डिजाइन दिख रही है, देखो कितनी अच्छी तरीके से दिख रही है। आप इसके ऊपर अपना मन चाह कलर कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, अपना ध्यान रखना।